टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए, ये हमारे बहुत ही खूबसूरत रोज़ के फ्लावर हैं। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है कि फूलों का साइज भी छोटा हो रहा है और फूल का कलर भी डल हो रहा है। लेकिन जो थोड़े से शेडी एरिया में हैं हमारे फूल, उनका कलर देखिए कितना प्यारा है, और ये जलने से भी बच गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये हमारे रोज़ के फ्लावर्स हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये देखिए बड्स अच्छी तरह से नहीं खिल पा रही है। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर देखिए ये, अगर आप नर्सरी पे जा रहे हैं और आपने कोई प्लांट ले लिया है, तो इस समय आप क्या करेंगे जिससे हमारे प्लांट बिल्कुल भी सेफ़ रहें, ख़राब नहीं हो। तो जब भी आप नर्सरी जाएं और कोई पौधा आपको या प्लांट कोई आपको पसंद आए, तो आप उसे किस तरह रखेंगे, उसकी केयर कैसे करेंगे, तो ये छोटी सी वीडियो मैं करना चाहती हूँ और मैं बता रही हूँ आप क्या करेंगे जब। तो सबसे पहले आप सब लोग को पाँच जून की पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामना। और ये देखिए, हमने भी अपने प्लांट मंगा लिए हैं पर्यावरण दिवस पे, ढेर सारी बधाई। और आप भी जाएं और अपने बालकनी में, टेरेस पे, जहाँ भी आपके ड्राइंग रूम में जगह हो, एक प्लांट ज़रूर लगाएं अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने पर्यावरण के शुद्ध के लिए एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये हमारा रोज़ का फ्लावर है। तो मैं आपसे बता रही थी, अगर इस जून जुलाई की गर्मी में अगर आप कोई पौधा ले आते हैं, अगर मानसून अभी भी नहीं आया है आपके यहाँ और आप कोई प्लांट खरीद के ला रहे हैं नर्सरी से, तो उसे किस तरह से रखेंगे, किस तरह से रिपोर्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम उसे रखने की बात करते हैं कि आप उसे ला के शेडी एरिया में रखिएगा। अगर नर्सरी से कोई प्लांट आप ले आते हैं या रोड साइड से कोई भी प्लांट लाइए, तो उसे एक शेडी एरिया से आपका प्लांट अच्छे से सेट हो सके। तो ये देखिए मेरी छोटी सी शॉपिंग है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ मार्केट है हमारे बाज़ार में, और यहाँ पर वहाँ पे ये छोटे छोटे प्लांट, हमारे कुछ प्लांट मिल जाते हैं कभी कभी। तो देखिए वहाँ से ये प्लांट आया है, और प्लांट की हालत आप देख सकते हैं, इसकी पत्तियाँ देखिए इस तरह से ख़राब हुई हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर डाई बैग लगा हुआ है, और ये ब्रांच भी देखिए पूरी तरह से सूखी हुई है, ड्राई बैक लगी हुई है। लेकिन प्लांट आप देखेंगे इसमें कई सारी ब्रांचेस है, 1 2 3 इसमें कलियां भी बनी हैं। यहाँ पर भी देखिए न्यू ग्रोथ है, ये देखिए ये भी न्यू ग्रोथ है। तो कोई ख़राब नहीं है, अच्छा ही प्लांट है। और क्योंकि ये भी गर्मी में तो इनका सीजन बिल्कुल भी नहीं है। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये दो फ्लावर्स लगे हुए हैं, एक फ्लावर यहाँ लगा है बहुत ही प्यारा पिंक कलर का, इसका कलर देखिए बहुत ही थोड़ा डार्क पिंक है, और ये भी डार्क पिंक है, लेकिन कैमरे में इस समय रात शाम हो गई है तो ये लाइट पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डार्क पिंक कलर के ये फ्लावर्स की छोटी सी शॉपिंग यहाँ पर है। ये भी देखिए इस तरह से, तो ये तो रातरानी का है। और कभी कभी बंदर भी बहुत परेशान करते हैं, हमारे प्लांट तोड़ देते हैं, जिससे हमें बार बार शॉपिंग करनी पड़ती है। और इस तरह से ये शॉपिंग है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने कोई प्लांट ले आए हैं तो हम उसे शेडी एरिया में रखेंगे। और ये हमारे प्लांट तो पूरे दिन के सनलाइट में रहते हैं, पूरा दिन यहाँ पर धूप रहती है, और ये जो टेरेस है हमारा बहुत ही हीट हो जाता है। और देखिए शाम के समय भी इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस तरह से अगर प्लांट लाएं तो इस तरह से आप बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो आपके प्लांट को नुकसान हो सकता है। और वहाँ पर कच्ची मिट्टी के ऊपर ये प्लांट रखे होते हैं, तो ये प्लांट बहुत ही सेफ़ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। लेकिन जिस तरह के यहाँ इस तरह का टेरेस हमारा गर्म है, और इस पर हम अगर अपने प्लांट को रखते हैं, तो इसकी जो रूट्स है वो गर्म हो जाती है, इससे हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो हमें जब भी इस तरह के पॉट लाइए, तो उसे किसी भी दूसरे पॉट के ऊपर आप रख दीजिए, तो आपके पास कोई पॉट हो तो उसके ऊपर आप उसे रख के अपने प्लांट को सेव कर दीजिए। और सेकंड यही है कि आप लाने के बाद उसे टेरेस पे मत रखिए, शेडी एरिया में, ठंडक जहाँ पे हो ऐसी जगह पे रखिए। तो ये देखिए, और आप इसके ग्रो बैग देखिए, ये मिट्टी के ऊपर रखे होते हैं, देखिए ये सॉइल के ऊपर रखे रहते हैं, और ये सीमेंट की सॉइल फर्श है, जिससे हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी एक आप पॉट लीजिए, उसके अंदर मिट्टी डालिए, और इस तरह से अभी जब आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो इस पॉट के ऊपर आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी पॉट के ऊपर
ऐसे थोड़ी सी मिट्टी डाल के अपने प्लांट को शेडी एरिया में रख देंगे। तो चाहे आप इसे 15 दिन, 1 महीने, जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसकी रिपोर्टिंग करिए, आपके प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस प्लांट को मैंने यहाँ पर इस तरह से सेव करके रख दिया है। अब आई हमारा ये गुलाब का प्लांट है। तो गुलाब का प्लांट फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे गुलाब की ग्रोथ हमेशा विंटर में होती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जनवरी फरवरी में इसमें फ्लावरिंग भर भर के आती है। अगर ये प्लांट अगर आपके पास फ्लावरिंग कर रहा है तो ये जब शेडी एरिया में जहाँ छाया जगह रखेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और इसकी मिट्टी, अगर ये मिट्टी के पॉट में लगा है तो अच्छे से ग्रो करता है, और अगर ये गर्म फर्श पे रखेंगे तो ये प्लांट आपका जल्दी धीरे धीरे डाईबैक हो जाएगा, इसकी पत्तियां जल जाएगी, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। तो इसमें आप क्या करिए, जब भी इस तरह से नर्सरी से बैग में आप लेके आएँ तो उसे पॉट के अंदर रखिए, और इसको भी मैं एक पॉट के ऊपर ही उठा के रखने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा पॉट है और इसकी ये मिट्टी है, तो मैं इसके ऊपर ही अपने प्लांट को भी रही कोशिश रहेगी मेरी, जब भी मैं इसको रिपोर्ट करूं तो जब हल्की सी मानसून आ जाए, बारिश होने लगे, तब मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करूं। आप देखिए इस तरह से हम रख देंगे तो हमारा प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और इस पॉट को हमें रखना है शेडी एरिया, जहाँ आपने इस तरह की ग्रीन नेट लगाई हो वहाँ पर रख दीजिए। तो हमारे यहाँ देखिए ये इतना ओपन है और यहाँ पे मैंने ये ग्रीन नेट लगा रखा है, इसके नीचे ही मैंने अपने सारे प्लांट को रखा है। तो इस पॉट को उठा के हम शेडी एरिया में रख देंगे। तो आप ऐसा करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। या तो आप अपने बालकनी में ऐसी जगह प्लांट रखिए जहाँ पर एक दो घंटे की धूप आती हो, सीधे सनलाइट नहीं आती हो, ऐसे शेडी एरिया में रखेंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और टाइल्स या फर्श के ऊपर अपने प्लांट को मत रखिए, थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से रखिए, और ये देखिए इस तरह की चिकनी मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है, तो इसकी आप हल्की सी गुड़ाई भी कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर आने के बाद हल्का सा पानी दे दिया था, इस तरह से आप तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से हल्की हल्की इसकी हल्के हाथों से गुड़ाई कर दीजिए, बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से कर देंगे तो हमारा प्लांट इस तरह से, ये देखिए, और इसकी मिट्टी में जब भी आप पानी दीजिएगा तो थोड़ा संभल के दीजिएगा। ये देखिए इस तरह की चिकनी मिट्टी है, और हमारे गार्डन की मिट्टी आप देखेंगे तो इस तरह की भुरभुरी मिट्टी हो। इस तरह से आप अपने प्लांट को रख दीजिए, और आपको लगे इसमें तो आप इसमें बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप नर्सरी से प्लांट लाने के बाद किसी भी पॉट में रख दीजिए, और उसे डायरेक्ट टाइल्स के ऊपर मत रखिए। इस तरह से इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब होने वाला नहीं है। तो ये दोनों प्लांट इस बार हमने 5 जून को मैंने ख़रीदा है, तो ये दोनों ही प्लांट हमारे 5 जून को आ गए हैं। और ये पर्यावरण के लिए एक प्लांट हमने भी लगा लिया है, तो आप भी अपने पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए, एनवायरनमेंट में गर्मी कम करने के लिए एक प्लांट जरूर लगाइए। और 4 दिन बाद देखिए, अब हमारे प्लांट की कंडीशन इस तरह से मैंने शेडी एरिया में रख दिया है, और देखिए काफ़ी हेल्दी है। इस तरह से आप प्लांट रखेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और रातरानी का प्लांट हमने यहाँ रख दिया है, और ये देखिए हमारे चैन प्लांट। और आपके प्लांट की पत्तियाँ अगर जल भी जाएँ तो परेशान मत होइएगा, हमारा प्लांट गुलाब का प्लांट ऐसा है जैसे ही मानसून आएंगे इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से सारे यहाँ पे ये चैन प्लांट देखिए बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। पॉट में लगे हुए प्लांट को भी अभी तक हमने रिपोर्ट नहीं किया है, इसी तरह से ये लगे हुए हैं। ये देखिए सारी पत्तियाँ जल रही हैं, लेकिन हमने रिपोर्ट नहीं किया है। ये जानकारी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू, और लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड।